विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है और लोगों से वादे किए जा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये हरियाणा के लोगों के लिए करेंगे। आज इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया और हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ढालिया साहब मौजूद हैं। ढालिया साहब, आपने ये घोषणा पत्र जारी किया, इससे पहले कांग्रेस भी कर चुकी है, चार पांच मेन बातें हैं जो हमें लगता है कि सभी पार्टियां इस बार वो वादा करेंगी। एक तो जो बुजुर्गों की पेंशन है, एक महिलाओं की रिजर्वेशन वाला मामला है और जो कर्जा माफ़ी वाला मामला है, ये चार पांच मोटी मोटी चीज़ें हैं। क्या लगता है कि कंपटीशन है सभी पार्टियों के बीच में और एक दूसरे को देखते हुए ये सब वादे हरियाणा के लोगों से किए जा रहे हैं? देखिए, इनेलो की हमेशा से नीति रही है और हमारे संस्थापक चौधरी देवीलाल जी की भी ये नीति थी कि सभी वर्गों के हितों का ध्यान रख कर रखा जाए, और पहले भी हमने ऐसा ही किया है, यही हमारी नीति है। इसमें किसी को देखकर घोषणा करने वाली बात नहीं है। किसानों के कर्ज पहले ही से ही देवीलाल जी ने माफ़ किया था, शुरू में 10,000 रुपये तक के कर्जे माफ़ किए थे। उस वक्त 10,000 की कीमत ही बहुत ज़्यादा थी, आपको पता ही है। बुढ़ापा पेंशन है, ये उन्होंने शुरू की थी, इसकी शुरुआत ही उन्होंने की थी, तो देखने की बात ही नहीं। इनेलो का तो ये इसकी जन्मदाता है बुढ़ापा पेंशन की, इसमें भी नहीं है। जो कन्यादान के दिए शगुन दिया है, ये भी इनेलो ने ही शुरू किया था पहले, सबसे पहले, तो इसमें ही कोई देखने की बात नहीं है। इनेलो की तो हमेशा ये पॉलिसी रही कि सभी वर्गों के हितों का कल्याण का ध्यान में रखा जाए। जब कोई भी पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, बहुत रौनक होती है और तकरीबन पार्टी के सब बड़े नेता मौजूद होते हैं। अभी आज हमने देखा कि वो रौनक जो पहले कभी हुआ करती थी आपकी पार्टी में, या बड़े नेता खुद अभय सिंह चौटाला आज मौजूद नहीं थे, वजह क्या मानते हैं? नहीं, वो ऐसा कि थोड़ा घोषणा पत्र जारी करने में देर हो गई और क्योंकि चुनाव का इस वक्त पीक है, चल रहा है, इसलिए वो नहीं आज के, और कोई विशेष बात नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अभय सिंह चौटाला वो अपने जो एलनाबाद का हल्का है जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहीं सिमट कर रह गए हैं कि पार्टी उसी पर पूरा फोकस करे ताकि एक सीट निकाली जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो सारे हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहाँ से भी डिमांड आती है उनकी, वो वहीं जाते हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बना पाएंगे। ढालिया साहब, अगर हम देखें लोगों की राय माने या जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उसमें आपकी पार्टी की हालत बहुत खस्ता नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टी एक सीट ही निकाल पाएगी, और एक तरफ आप कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। नहीं देखिए, हमारा तो अभी भी विश्वास, यही मेरा विश्वास है कि हम सरकार बना पाएंगे। आपके पिछली बार 19 विधायक चुनकर आए थे, उनमें से दो की चलो मौत हो गई, उसके बाद 17 बचते हैं, लेकिन उन 17 में से सिर्फ एक ही उम्मीदवार ऐसा है जो इस बार चुनाव लड़ रहा है आपकी पार्टी की ओर से, बाकी सभी दूसरी पार्टियों में चले गए। तो आपको नहीं लगता कि 17 में से अगर सिर्फ एक ही कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है इस चुनाव में, तो पार्टी मतलब कहाँ खड़ी है इस वक्त? नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्यकर्ता सारे पार्टी में मौजूद हैं, केवल विधायक ही गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ता जब तक है, पार्टी हमेशा प्रासंगिक रहेगी। आपको नहीं लगता कि सारे अगर विधायक चले गए तो उससे बहुत एक वो ग्राफ होता है कि जैसे बीजेपी ने कहा कि सभी उनके चले गए, कुछ जेजेपी में चले गए? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, वे विधायक उनको परेशान करेंगे जाके वहाँ। आप का जो जेजेपी आपसे अलग हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि जेजेपी जो है वो इनेलो से अच्छा प्रदर्शन कर सकती है इस चुनाव में, मतलब वो जितने भी सीटें लेंगी उनके लिए एक मुनाफा होगा क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपको पिछली बार की बजाय बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और जो जेजेपी सीटें ले जाएगी, मुनाफे में रहेगी, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। क्या लगता है वैसे कि एक मौका था, एक समय आया था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो धर्म पत्नी, उनका देहांत हुआ था, उस समय कोशिश थी, की गई थी कि परिवार फिर इकट्ठा हो जाए और इकट्ठे होकर दोबारा चुनावी मैदान में उतरा जाए। आपको लगता है कि उस समय भी अगर इकट्ठे हो जाते और चुनावी मैदान में मिलकर उतरते तो आज सिचुएशन कुछ और होती हरियाणा? ये पारिवारिक मामला है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। फिर भी कोशिश की गई? मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आया, उसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे, आपको पता है, उसमें भी महिलाओं की रिजर्वेशन वाला मामला, बिजली 300 यूनिट तक हर महीने फ्री देंगे, उसके बाद जो रेट है वो आधा रेट किया जाएगा, बहुत सारा वजीफा की बात की गई, महिलाओं के लिए इतने वादे किए हैं, बहुत,
आपको क्या लगता है कि ये जो हरियाणा की जनता है, ये जो सारी पार्टियां सपने दिखा रही हैं, उस पर यकीन करेंगी या फिर कुछ और मुद्दा होगा? ये प्रत्येक पार्टी को आशा करने का हक है और आगे फैसला जनता नहीं करना है। चलिए, ये आप सुना आपने अबीडी ढालिया साहब, जो कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष। दरअसल ज़्यादातर सवालों के जवाब वो नहीं दे रहे हैं या बच रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आज मैनिफेस्टो जारी किया गया इनेलो की ओर से, और इनेलो की ओर से भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने बहुत बड़े वादे किए हैं, अब इनेलो ने भी वादे किए हैं, और अभी बीजेपी और जेजेपी का मैनिफेस्टो भी आने वाला है, उसमें भी देखते हैं कि कितने बड़े वादे किए जाते हैं और उन वादों में से जो जनता है हरियाणा की वो किस पर यकीन करती है, कितना यकीन करती है, और उसके बाद कौन सी पार्टी कितने सीट जीत कर आती है, ये खैर उसी समय नतीजों के बाद ही पता चलेगा।